कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उनकी इस उपलब्धि पर बधाई देने वालों का सिलसिला लगा है। ये बताते हैं आपको कि रूम से लेकर फ्रांस और अमेरिका तक 75 से अधिक देशों ने पीएम मोदी को जीत की बधाई दी है। दे रही पीएम मोदी को बधाई। पीएम की जीत पर दुनिया में चर्चा। रूस से लेकर अमेरिका ने भेजा बधाई संदेश। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में होने वाले चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें होती हैं। आम चुनाव संपन्न हुए तो नतीजों में एक बार फिर पीएम मोदी की जीत हुई। प्रधानमंत्री का जलवा पूरी दुनिया में है। दूसरे देशों के नेताओं के साथ अपने मित्रतापूर्ण व्यवहार, अपनी कार्यशैली और नीतियों के चलते पूरी दुनिया में उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। और देखिए, नतीजों के बाद से ही उन्हें बधाई देने वालों की लंबी कतार भी लग गई है। दुनिया में बड़ी बड़ी महाशक्ति वाले देशों के नेताओं की तरफ से भी नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी जा रही हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने वालों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, चीनी विदेश मंत्रालय ने दी बधाई, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतांस नौसेदा, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान चुनाव में उनकी पार्टी की सफलता के लिए मोदी को गर्मजोशी से बधाई दी। जानकारी के अनुसार पुतिन ने लिखा, निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप और मैं द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के वर्तमान मुद्दों पर स्पष्ट बातचीत और रचनात्मक संयुक्त प्रयास करना जारी रखेंगे। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उनकी जीत पर बधाई तथा इस ऐतिहासिक चुनाव में लगभग 650 मिलियन मतदाताओं को बधाई। हमारे देशों के बीच मित्रता और बढ़ रही है क्योंकि हम असीमित संभावनाओं वाले साझा भविष्य को खोल रहे हैं। तो वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने लिखा, चुनाव में जीत और अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं। हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करेंगे। हम दोनों देशों और हमारे लोगों की भलाई से जुड़े मुद्दों पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा है, भारत में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत और इजराइल की दोस्ती नई ऊंचाइयों को छुएगी। बधाई हो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए बधाइयां दी हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हुआ, इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई। मेरे प्रिय मित्र, हम साथ मिलकर भारत और फ्रांस को एकजुट करने वाली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना जारी रखेंगे। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश देने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना मंगलवार को हुई थी। चुनाव आयोग ने सभी 543 लोकसभा सीटों के नतीजे घोषित कर दिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें तो कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीती। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।